फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं अमिता वशिष्ठ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगी आजकल एक ट्रेंड में चल रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा, जिसमें जो यूट्यूबर्स हैं वो ब्यूटिशियन के पास जाते हैं, जो कि उनके घर के पास लोकल पार्लर्स होते हैं वहाँ पे, और वहाँ जाके पता चलता है कि वो किस तरह का मेकअप करते हैं। ठीक है, या तो वो अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। जनरली बुरा मेकअप जो करते हैं वो वीडियो शूट होती है और आपको वो वीडियो दिखाई जाती है। तो सेम आज मैं वही वीडियो जो है वैसा ही कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप मेरे से कनेक्ट रहें, मतलब मेरे से आपका टच में रहें। तो गाइज, चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं किसी पार्लर में नहीं जाने वाली हूँ, ना ही आपको वो वीडियो दिखाऊंगी। ठीक है, ये वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी थी, और देख के कई बार कई वीडियोस में मुझे ऐसा भी फील हुआ कि हो सकता है किसी ने अपने फ्रेंड को पैसे दे दिए और बोल दिया हो कि बुरा मेकअप कर दो। तो जिस तरह की बातें आप लोगों के दिमाग में भी आ सकती हैं, आप लोगों के माइंड में भी आ सकती हैं, कि हो सकता है कि ये यूट्यूबर अपने फ्रेंड्स को ही, अपने नोन में से किसी को पैसे देके बोलते होंगे कि हमारा बुरा मेकअप करना, हमें वीडियो बनाना है। बट गाइस, मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे साथ हुआ था। मेरी अभी शादी हुई थी, उस ईयर ही मेरी कज़न की भी वेडिंग थी, तो मुझे शादी के लिए तैयार होना था। मेरे घर के पास एक पार्लर था, पार्लर एकदम साफ़ सुथरा। ठीक है, लड़की जो मतलब वहाँ पे ऑनर थी उसकी, काफ़ी साफ़ सुथरी अच्छी खासी लड़की थी। ठीक है, तो उससे वैक्सिंग वगैरह नॉर्मली मैं करवाती थी, पार्लर साफ था उसका, तो मुझे लगा क्यों ना मैं मेकअप जो है उसी से करवाऊँ अपना शादी के लिए, जिस शादी पे मुझे जाना है, जो कि मेरी कज़न की वेडिंग है। तो मैं उसके पास गई, मैंने वहाँ से मेकअप करवाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मेरा, मैं उस टाइम पे इतना मेकअप के बारे में बहुत आइडिया नहीं था। मेकअप के नाम पे कॉम्पैक्ट फाउंडेशन, आई शेडो, आई लाइनर और लिपस्टिक, बस मुझे इतना ही पता था। मुझे खुद नहीं पता था प्राइमर के बारे में, मुझे नहीं पता था मेकअप सेटिंग स्प्रे या ये सब चीज़ें, कंटोरिंग मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, कंसीलर मुझे नहीं पता था। तो मैं उस पार्लर में गई, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे जो तैयार किया, उन्होंने ऐसा तैयार किया, एक तो मेरी शक्ल जो है मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं खुश हूँ, मतलब जबकि मैं खुश थी। मेरी पता नहीं क्यों शक्ल गुस्से वाली हो गई, और मेरा जो रंग है एकदम डार्क हो गया, काला। उसका रीज़न यही होगा कि उन्होंने फाउंडेशन मेरे स्किन टोन से मैच करता हुआ नहीं लगाया होगा, ये रीज़न रहा होगा, या जो भी रीज़न रहा हो, मेरा बहुत ही वाहियात वर्ड, सही वर्ड है उसके लिए, ऐसा मेकअप हुआ था। तो ये मैं भुगत चुकी हूँ, तो अगर आपको यकीन नहीं आएगा तो मैं फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो गाइज, मैं वो ही बोलना चाहूँगी कि जो लोग ये काम करते हैं, जिनका ये प्रोफेशन है मेकअप करना, ठीक है, तो उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, हर किसी का इतना बजट नहीं होता कि आप प्रोफेशनल मेकअप कोर्सेज कर सके, ठीक है, इतना बजट नहीं होता, तो उस केस में बेस्ट रहता है कि आप यूट्यूब वीडियोस देखें या फिर गूगल सर्च करें, ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे फ्री में, बिना कुछ यूज़ किए, सिर्फ आपका इंटरनेट लगेगा। ठीक है, इससे मतलब मैं नहीं कहती कि एकदम आप प्रोफेशनली सीख जाएंगे, बट हाँ, आपको नॉलेज आ जाएगी कि आपको किस तरह से मेकअप करना है। तो ये जो ब्यूटिशियन अगर कोई देख रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी अपना पार्लर स्टार्ट किया है और जिन्होंने अभी कोई कोर्स प्रोफेशनल नहीं किया, उनके लिए टिप है, क्योंकि अगर आप एक बार अच्छा मेकअप करेंगे तो दोबारा लोग आपके पास आएंगे, पर अगर वहीं आप ख़राब मेकअप कर देंगे तो दोबारा लोग आपके पास आने से पहले सोचेंगे, इनफैक्ट आएंगे ही नहीं, डरेंगे। तो ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद है, आप अगर अच्छा मेकअप करेंगे तो लोग आपके पास आएंगे। YouTube वीडियोस देखिए, और जब तक कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करते हैं, इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो मैं अभी फोटोज़ अटैच कर दूंगी, आप भी देख सकते हैं। एक्चुअली एक
इवेंट जो होता है कोई मेन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, अगर वहाँ पे आप अच्छे नहीं लग रहे हो तो आपका मूड अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आपने पैसे भी दिए हैं तो भी आप अगर अच्छे नहीं लग रहे हो, ठीक है, तो कस्टमर तो आपका ख़राब होगा ही, उसका मूड भी स्पॉइल होगा क्योंकि वो उस इवेंट पे अच्छा नहीं लग पाया और नेक्स्ट टाइम से वो आपके पास आएगा भी नहीं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सर्च करिए, गूगल सर्च करिए, यूट्यूब वीडियोज़ देखिए, आप अच्छा मेकअप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर बंदा सब कुछ कर सकता है, बस एक अच्छा डिटर्मिनेशन चाहिए, आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। तो यही था मेरा वीडियो, फोटोज अटैच कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।